17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है। इस बार पीएम मोदी का जन्मदिन खास होने वाला है। इस बार पीएम 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में अपना जन्मदिन मनाएंगे। वहीं पीएम के मिले तोहफों की नीलामी भी की जाएगी। ये नीलामी प्रक्रिया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। इस नीलामी प्रक्रिया में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। ये नीलामी वेब पोर्टल pmmemento.gov.in के जरिए होगी। इसके जरिए इकट्ठा होने वाली धनराशि का इस्तेमाल नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। नीलामी के लिए इन तोहफों की शुरुआती कीमत 100 रुपए रखी गई है, जबकि अधिकतम 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस बार पीएम मोदी को दिया गया सबसे बेशकीमती उपहार भारतीय खिलाड़ियों का है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं। इसमें मेडल विजेता खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ टी शर्ट, बॉक्सिंग ग्लव्स, जेवलिन और रैकेट जैसे स्पोर्ट्स आइटम का एक विशेष कलेक्शन है। पीएम मोदी को मिले विशेष तोहफों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मोदी को उपहार में दी गई रानी कमलापति की प्रतिमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपहार में दी गई हनुमान जी की मूर्ति और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा उपहार में दिया गया त्रिशूल है। एनसीपी नेता अजीत पवार द्वारा उपहार में दी गई देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा सहित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी द्वारा उपहार में दी गई भगवान वेंकटेश्वर की तस्वीर शामिल है। 17 सितंबर से वेब पोर्टल pmmementos.gov.in पर कोई भी इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। इससे पहले दिल्ली में इन उपहारों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।